आईज वाइड शट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाती है। इस फिल्म में टॉम क्रूज और निकोल किडमन ने लीड रोल्स निभाए हैं। यह मूवी सेक्सुअल डिजायर, सीक्रेसी और साइकोलॉजिकल टेंशन को एक्सप्लोर करती है। आज हम इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बिल अपनी वाइफ एलिस के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल करता है और उनके बीच क्या होता है। आइज वाइड शट की कहानी बिल और एलिस हार्फोर्ड के बीच घूमती है। बिल एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और एलिस एक ब्यूटीफुल वाइफ। दोनों की मैरिज काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक रात एलिस अपने हस्बैंड को एक शॉकिंग बात बताती है। एलिस बिल को यह कन्फेस करती है कि एक टाइम पे उसने एक दूसरे आदमी से सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस किया था। यह बात बिल के लिए एक शॉकिंग होती है और उसका माइंड हिल जाता है। बिल को लगता है कि उसकी वाइफ के डिजायर और इमोशंस के बारे में उसे अभी तक काफी कुछ नहीं पता था। जब एलिस अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल से बात करती है, तो बिल को यह समझ नहीं आता कि अगर उसकी वाइफ ने किसी और के साथ अट्रैक्शन महसूस किया तो इसका क्या मतलब है। बिल को लगता है कि एलिस ने उससे कुछ छुपाया है। बिल का माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे अपनी मैरिज और वाइफ के बारे में डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं। वह अपनी वाइफ के डिजायर को समझना चाहता है और यह क्यूरियोसिटी उसे एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जो उसकी लाइफ को बदल देती है। बिल का साइकोलॉजिकल स्ट्रगल इस मूवी का मेन पार्ट है। उसके लिए अपनी वाइफ के कन्फेक्शन को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। वह सोचता है कि अगर एलिस ने किसी और के साथ अपने डिजायर को एक्सप्रेस किया तो इसका मतलब यह है कि उसकी वाइफ उससे खुश नहीं थी। बिल अपने इमोशन और साइकोलॉजिकल ट्रायंगल के बीच काफी कंफ्यूज रहता है। यह फिल्म उसकी जर्नी को दिखाती है जिसमें वह अपनी वाइफ के हिडन डिजायर को समझने की कोशिश करता है। बिल का माइंड अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वह अपने डाउट को दूर करना चाहता है। एक रात वह एक मिस्टरस पार्टी में घुस जाता है जहां लोग मास्क पहने होते हैं और कुछ फॉरबिडन रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। इस पार्टी में बिल को एक सीक्रेट और डेंजरस वर्ल्ड का सामना होता है जहां सेक्सुअल डिजायर और फ्री का कोई लिमिट नहीं होता। यह पार्टी बिल को अपनी वाइफ के पास्ट और डिजायर के बारे में ज्यादा समझने का मौका देती है और यह सिंस उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब बिल को अपनी वाइफ के पास्ट और डिजायर के बारे में पता चलता है तो उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाता है। एलिस को भी अपने एक्शन पर गिल्ट फील होता है, लेकिन उसे अपने डिजायर को असेपट करना काफी मुश्किल लगता है। एलिस का कैरेक्टर अपनी सेक्सुअलिटी और डिजायर को समझने में स्ट्रगल करता है और वह अपने हस्बैंड बिल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहती है। मूवी का क्लाइमेक्स काफी सॉकिंग और इंटेंस होता है। बिल की जर्नी अपनी वाइफ के सीक्रेट और डिजायर को समझने की अपनी लिमिट तक पहुंचती है। फिल्म का एंडिंग थोड़ा अस्पष्ट है, मतलब बिल अपनी वाइफ के इमोशन और डिजायर को पूरी तरह से स्वीकार करता है या नहीं, यह पर छोड़ दिया गया है। एंड में बिल को यह रियलाइजेशन होता है कि वह अपनी वाइफ के डिजायर को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भी उसके माइंड में डाउट है। यह एंडिंग ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। आईज वाइड शट में सेक्सुअल डिजायर और लॉयल्टी का कॉम्प्लेक्स है। बिल अपनी वाइफ एलिस के डिजायर को समझना चाहता है, लेकिन वह अपने डाउट और फियर के साथ स्ट्रगल करता है। यह फिल्म दिखाती है कि सेक्सुअल डिजायर और इमोशनल लॉयल्टी के बीच का बेल्स कैसे तोड़ा जाता है। फिल्म का सेंट्रल थीम साइकोलॉजिकल है। बिल और एलिस दोनों अपनी डिजायर और इमोशन के बीच स्ट्रगल करते हैं। बिल अपनी वाइफ के हिडन डिजायर को समझने की कोशिश करता है और वह अपनी वाइफ की सेक्सुअलिटी को असेपट करने में स्ट्रगल करता है। इस फिल्म में सीक्रेट और लाइज काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल और एलिस के बीच का रिलेशनशिप पुरानी छुपाई हुई बातों और इमोशन पर बेस्ड है। जब बिल को अपनी वाइफ के हिडन डिजायर के बारे में पता चलता है तो उनका रिलेशनशिप टेस्ट होता है। आईज वाइड शट एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक सेक्सुअली ड्रामा नहीं है, बल्कि यह फिल्म ह्यूमन डिजायर, इमोशन और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को डीपली एक्सप्लोर करती है। बिल और एलिस के बीच का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें वे अपनी हिडन डिजायर और इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं।
अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। फिल्म की एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और यह एक गहरी सोच है सेक्सुअल